हेलो फ्रेंड्स, मैं रतनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं बिहार बोर्ड के इंटर क्लास के स्टूडेंट के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इंटर क्लास के अंतर्गत 50 मार्क्स का हिंदी होता है, तो उसी से रिलेटेड काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ जो इस बार के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। आप लोग बेझिझक इस वीडियो में दिए गए सवाल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा और इनसे काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाएंगे। तो बिना समय को वेस्ट किए हम लोग सीधा बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के तरफ। लेकिन उनसे पहले यदि आप इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप इसे हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। अब हम लोग समय को बिना वेस्ट किए सीधा देखते हैं आज का पहला ऑब्जेक्टिव सवाल। तो पहला सवाल है, दोहावली किनकी रचना है? तो इसका आंसर है रहीम। अब दूसरा सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है बेगूसराय। तीसरा सवाल है, छायावाद के कितने आधार स्तंभ होते हैं? इसका आंसर है चार। चौथा सवाल है, युगांत के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए। पांचवा सवाल है, आरसी प्रसाद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है दरभंगा। छठवां सवाल है, गेहूं और गुलाब के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। सातवां सवाल है, गोरा किस विधा की रचना है? तो ये आपको रेखा चित्र है। आठवां सवाल है, मंगर की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका आंसर है भकोलिया। नौवां सवाल है, अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? तो आंसर है आचार्य हजारी द्विवेदी। दसवां सवाल है, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? आंसर है 1861 ईस्वी में। ग्यारहवां सवाल है, जल का लिंग निर्णय करें? तो जल एक पुल्लिंग शब्द है। बारहवां सवाल है, परीक्षा का लिंग निर्णय करें? परीक्षा एक स्त्रीलिंग शब्द है। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित कर लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ इंटर के लिए और उसके अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट जो होता है 50 मार्क्स का, उसी से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो इस साल के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। अब तेरहवां सवाल है, जी का लिंग निर्णय करें? तो जी शब्द आपको पुलिंग है। चौदहवां सवाल है, छात्रावास का लिंग निर्णय करें? छात्रावास शब्द पुलिंग शब्द है। यहाँ पे कुछ लिंक देख रहे हैं, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप अच्छी जानकारी पढ़ पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरे वेबसाइट पर आना होगा, और मेरे वेबसाइट का लिंक और इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पंद्रहवां सवाल है, आत्मा का लिंग निर्णय करें? आत्मा एक स्त्रीलिंग शब्द है। सोलहवां सवाल है, आस्तिक का विलोम शब्द बताएं? आस्तिक का उल्टा शब्द क्या होता है? तो आंसर है नास्तिक। सत्रहवां सवाल है, जीवन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो जीवन शब्द का विलोम शब्द मरण होता है। अठारहवां सवाल है, बाढ़ शब्द का विलोम क्या होता है? आंसर है सूखा। उन्नीसवां सवाल है, गणेश का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर है गिरिजा या नंदन। बीसवां सवाल है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसर है दिनेश। इक्कीसवां सवाल है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या जोड़ आलय उसका आंसर था। बाईसवां सवाल है, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है? आंसर है गुरु जोड़ उपदेश। तेईसवां सवाल है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आंसर है पछताना। चौबीसवां सवाल है, कान देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान देना। और आज के इस एपिसोड का अंतिम सवाल है, लेकिन उनसे पहले चलते चलते आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे थे तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और इस पोस्ट को यदि आप हमारे वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सीधा उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप लोग इस पोस्ट को अच्छी तरह पढ़ लीजिए मेरे वेबसाइट पर। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। लेकिन चलते चलते अंतिम सवाल, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर है आनंद मनाना, खुशी मनाना।
तो मिलते हैं एक अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मैं रतनदीप आप सभी को काफ़ी धन्यवाद कहता हूँ। और आगे है ईद पर्व और रक्षाबंधन, उसके बाद 15 अगस्त, इन सभी पर्व का आप सभी को काफ़ी शुभकामना, और मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।